मुंबई एयरपोर्ट में 74% हिस्सेदारी खरीदने के लिए तैयार है अडानी ग्रुप। जीवीके समेत सभी संबंधित पक्षों के साथ बनी सहमति। यूपीआई आधारित डिजिटल पेमेंट पर अब बैंक नहीं लगाएंगे कोई चार्ज। 1 जनवरी के बाद वसूले गए सभी तरह के चार्ज भी करने होंगे वापस। ब्रिकवर्क रेटिंग्स ने 2020-21 में जीडीपी के 7% तक राजकोषीय घाटे के लुढ़कने का जताया अनुमान। आमदनी घटने और खर्च बढ़ने से आई मुसीबत। फिरौती के लिए पेटीएम मॉल के पूरे डेटाबेस के हैक होने की खबर से हड़कंप। रिपोर्ट में किया गया दावा, अंदर के आदमी के चलते हुई है सेंधमारी। कवासकी ने लॉन्च की है वुलुकैंस BS6 बाइक। BS4 मॉडल के मुकाबले कीमत 30,000 बढ़कर 5,79,000 रुपए है। अमेरिका को जल्द मिल सकती है कोरोना वैक्सीन। FDA ने फेज 3 ट्रायल खत्म होने से पहले मंजूरी देने के दिए हैं संकेत। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिस 365 का नाम बदलकर माइक्रोसॉफ्ट 365 किया। सर्च इंजन बिंग और विंडोज डिफेंडर की भी रिब्रांडिंग। टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को खरीदने के लिए 3 कंपनियों ने लगाई बोली। इसी हफ्ते हो सकता है खरीदार का ऐलान। विदेशों से ऑर्डर घटने पर चीन की मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में गिरावट। जुलाई के 51.1 से घटकर अगस्त में 51 पर आया मैन्युफैक्चरिंग PMI। टोयोटा ने जापान में लॉन्च किया कॉम्पैक्ट SUV यारिस का हाइब्रिड अवतार। करीब 12.5 लाख रुपए है हाइब्रिड यारिस की कीमत।